दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने भी हर्षा इंजीनियरिंग का आईपीओ अप्लाई किया है तो आज आईपीओ का अलॉटमेंट है, तो आप किस तरह से जो है आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपको आईपीओ जो अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे आप जो है आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपके पास चाहे फ़ोन हो या फिर लैपटॉप हो, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो, सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में आपको टाइप कर लेना है LinkedIn Time। जो LinkedIn Time की वेबसाइट है उसके ऊपर ये रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर ही हम जो है आईपीओ का जो अलॉटमेंट का स्टेटस है इसी वेबसाइट के द्वारा पता कर पाएंगे। तो जैसे ही आप करोगे इस तरह का पेज आपके सामने खुल के शो हो जाएगा। फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, तो इस तरह से जो है इसकी वेबसाइट आपके सामने खुल के शो हो जाएगी। अभी देखो इसमें पेन नंबर, अगर आप पेन नंबर से जो आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करें। सेकंड एप्लीकेशन नंबर, अगर एप्लीकेशन नंबर से आईपीओ का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो एप्लीकेशन नंबर पर जो है टिक करके एप्लीकेशन नंबर डालें। और DP / क्लाइंट ID से अगर आपका जो डीमेट अकाउंट है उससे आईपीओ का स्टेटस चेक करना चाहते हो तो वो डालें। तो मैं आपको बता देता हूँ पेन नंबर से हम जो है आईपीओ का अलॉटमेंट किस तरह से चेक कर सकते हो। तो पेन नंबर वाले ऊपर जो पेन नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसके बाद में नीचे जो अभी आप देख सकते हो तमिलनाडु बैंक लिमिटेड का ही आईपीओ है, तो यहाँ पर जाके हमको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा तो यहाँ पर जो है हर्षा इंजीनियरिंग शो कर देगा। नीचे जो पेन नंबर है वो पेन नंबर आपको डाल के इसको सर्च कर लेना है। सर्च जैसे ही आप सर्च करोगे तो आईपीओ आपको मिला है या नहीं मिला है नीचे जो है शो कर देगा। दूसरी बात दोस्तों, हमने इसमें जो है आईपीओ अप्लाई करते समय 14,850 रुपये जो है इसमें लगाए थे, तो अगर उनका डेबिट का भी आपके पास मैसेज आ जाता है तो भी आप समझ लेना कि आपका आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है, या फिर जो है आप LinkedIn Time की वेबसाइट पर जाके भी इसको चेक कर सकते हो। आईपीओ का अलॉटमेंट आज 21 तारीख को ही होगा, तो अभी तक आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। जैसे ही आईपीओ अलॉट होगा मैं एक बार फिर एक न्यू वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, उसके द्वारा भी आप जान सकते हो। परंतु ये जो प्रोसीजर ये वीडियो है इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि आप जो है इस तरह से आईपीओ का अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक